शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। आज इस फिल्म में हम आपको तंत्र प्रयोग किए जाने संबंधी कुछ लक्षणों और पहचान किए जाने की विधि का यह वर्णन कर रहे हैं कि कैसे पहचाना जाए कि आप पर किसी ने तंत्र प्रयोग किया है। और दूसरी बात, अगर ये लक्षण मिलान खाते हैं तो इनका फिर तोड़ कैसे किया जाए, तो तोड़ हम अपनी अगली फिल्म में बताएंगे। पहले आप इस तंत्र के प्रयोग के संबंध में कुछ जानकारी जो आपके लिए ज़रूरी है वो आपको होना चाहिए। दरअसल होता ये है कि तांत्रिक क्रियाएं लाभ के लिए भी की जाती हैं और हानि के लिए भी की जाती हैं, किंतु मुख्यतः यह देखने में आता है कि आजकल के छोटे मोटे तांत्रिक धन बटोरने के लालच में दूसरों का बुरा करने में कोई संकोच नहीं करते हैं। कोई तांत्रिक किसी का मार्ग अवरुद्ध कर देता है तो कोई किसी का रोजगार बंद कर देता है, कोई किसी का विवाह बांध देता है तो कोई किसी का मकान बांध देता है। तो आज के जमाने में पैसे की खातिर किसी की जान लेना भी नामुमकिन बात नहीं रह गई है। मृत्यु देना, मृत्यु तुल्य कष्ट पहुंचाना, ये तो बहुत मामूली ही बात है। जिन लोगों में इस विषय की गहरी सूझबूझ नहीं होती है वो दुख झेलते रहते हैं, कष्ट उठाते रहते हैं, किंतु उन पर किसी तांत्रिक के द्वारा कुछ कराया गया है यह समझ पाने में वो सर्वथा असमर्थ होते हैं। जब जीवन धारा को अनायास रूप से दूसरी धारा की तरफ मोड़ दिया जाए तो यह अवश्य या तो किसी टोना टोटका का असर है या किसी तांत्रिक प्रयोग का प्रभाव होता है। कि अच्छी भली चलती गाड़ी ट्रैक से उतरे या विपरीत दिशा में चलने लगे। यद्यपि तांत्रिक क्रिया का प्रयोग कोई सरल कार्य तो नहीं है, लेकिन आजकल के लोभी और टुच्चे किस्म के तांत्रिक जो सौभाग्य से तांत्रिक बन गए हैं, किसी को बचाना तो जानते नहीं है किंतु उसे तकलीफ दे सकते हैं, हित नहीं कर पाते किंतु हानि पहुंचा सकते हैं, इसके लिए अपने ग्राहकों या अनुयायियों से वो मनवांछित धन प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि सामान्य जन तंत्र के बारे में नासमझ होता है, उसे थोड़ी सी भी पीड़ा होते ही वह किसी भी झोला छाप यानी टुच्चे या जो छिछोरे तांत्रिक होते हैं उनके चक्करों में फंस जाता और अपना समय और धन गंवाता। तांत्रिक प्रयोग तो कोई टुच्चा तांत्रिक भी कर सकता है, किंतु उसके परिणाम व्यक्ति को गहराई के साथ भोगने पड़ते हैं, और इस प्रकार से देखा जाए तो उसका पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तंत्र की कोई छोटी मोटी विद्या सीखने में बहुत अधिक या जटिल साधना की आवश्यकता नहीं होती, किंतु यदि तांत्रिक प्रयोग हो गया और निशाने पर सटीक बैठ गया तो फिर उसका निपटारा करने के लिए, तांत्रिक प्रभाव को दूर करने के लिए या उस टोने टोटके के असर को दूर करने के लिए बहुत कठिन साधना, उच्च कोटि के साधक, उच्च कोटि के सिद्ध और अनुभवी तांत्रिक की आवश्यकता पड़ती है, वही इसका तोड़ करता है। अब यकायक जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिनसे यह सहज ही अनुमान लगा लिया जाता है या लगाया जा सकता है कि कोई तांत्रिक क्रिया की गई है। अब हम यहाँ कुछ ऐसी कुछ पहचान बता रहे हैं, इसकी पहचानें तो बहुत हैं लेकिन कुछ पहचानें हम यहाँ इस फिल्म में आपको बता रहे हैं जिनसे यह जाना जा सकता है कि व्यक्ति पर तांत्रिक प्रयोग या टोना टोटका हुआ है।
मैं नरेंद्र सिंह तोमर आनंद, महाभारत के परमवीर योद्धा, पराक्रमी योद्धा अर्जुन का वंशज और महाभारत के अंतिम सम्राट दिल्लीपत महाराजा अनंगपाल सिंह तोमर की 23वीं पीढ़ी आपके समक्ष इस फिल्म में इस समस्त वर्णन को, विवरण को प्रस्तुत कर रहा हूं, अपने स्वर में इसका उच्चारण प्रस्तुत कर रहा हूं। तो अब इसकी पहचानें आप देखिए, यदि आप लगातार दुर्बलता का अनुभव करते जा रहे हैं और आपका मनोबल भी समाप्त होता जा रहा है, जीवन जीने का उत्साह समाप्त प्राय हो गया है, उन्नति करने की चाह ही मन में नहीं रही है, तो इसे तांत्रिक क्रिया का प्रयोग प्रकोप समझना चाहिए या किसी टोने टोटके का असर समझना चाहिए। यदि आप हर क्षण चिंताग्रस्त रहते हैं या बार बार आत्महत्या करने की भावना आप में जागृत होने लगती है, अथवा घर परिवार छोड़कर कहीं भाग जाने को आपका मन करता है, तो समझना चाहिए कि आप पर किसी ने तांत्रिक प्रयोग करवाया है या टोना टोटका करवाया है। यदि आपके जीवन में अकारण ही शत्रु बनते जा रहे हो, अकारण ही विरोधी पैदा होते चले जा रहे हो, आप जिसकी भी भलाई करें वो ही आपको हानि पहुंचाने का प्रयास करे, तो इसे भी स्वयं पर किया गया तांत्रिक प्रयोग या टोने टोटके का असर समझना चाहिए। यह भी तांत्रिक क्रिया का ही कमाल होगा कि यदि प्रयत्न करने के पश्चात भी आपके कार्य सफल नहीं हो पा रहे हैं, जो कार्य दूसरों के लिए सरलता से हो जाते हैं और सरलता से आप जो कार्य स्वयं के लिए नहीं कर पाते हैं, यदि आपके साधन कमजोर हो गए हों, प्रयत्न और परिश्रम करने के बावजूद भी श्री और लक्ष्मी का आगमन नहीं हो रहा हो, दुकान आदि पर ग्राहक न आने के कारण लक्ष्मी की वृद्धि न हो रही हो, अथवा व्यापार में लगातार गिरावट आ रही हो, तो संभव है कि किसी ईर्ष्यालु ने तांत्रिक क्रिया द्वारा आपको हानि पहुंचाने का प्रयास किया हो या टोना टोटका किया हो या आपके व्यापार व्यवसाय को बांध दिया हो। आप लंबे समय से रोगी हो, उचित उपचार कराने पर भी स्वास्थ्य लाभ नहीं हो पा रहा हो, तो समझ लेना चाहिए कि यह सब किसी तांत्रिक का किया धरा है या किसी टोने टोटके का असर है। आप चाहे जितना धन कमाए पर घर में एक पैसा न बचे, धन संचय न हो और यह पता न चले कि जो धन आता है वो कहाँ चला जाता है, हर समय धन का अभाव बना रहे, तो समझ लेना चाहिए कि किसी ईर्ष्यालु ने या जलने वाले ने अवश्य कुछ करवाया है। यदि भाई बहन में, भाई भाई में अकारण ही शत्रुता और विरोध बढ़ गया हो और लाख प्रयत्न करने पर भी समझौता न हो रहा हो, अथवा एक दूसरे के प्रति व्यर्थ के मतभेद बढ़ते जा रहे हो, तो यह भी तांत्रिक क्रिया का प्रभाव हो सकता है या किसी टोने टोटके का असर हो सकता है। किसी योग्य तांत्रिक से, किसी सिद्ध व्यक्ति से, उच्च कोटि की साधना संपन्न किए हुए व्यक्ति से इस बात का पता चलाया जा सकता है। यदि पति पत्नी में मतभेद हो और पति के लाख समझाने पर भी पत्नी सही रास्ते पर चलने को तैयार न हो, तो कलह उत्पन्न करने वाले विद्वेषण तंत्र का प्रयोग किया गया है, यह सोचकर इस बात की तह तक जाने का प्रयास करना चाहिए और मूल वजह तक, जड़ तक पहुंचने के बाद उसका निराकरण करना चाहिए। यदि जीवन का बहुत बड़ा भाग व्यतीत करने के पश्चात भी आपका मकान नहीं बन पा रहा है या अधूरा बन के आधा रह गया है या आपकी जमीन नहीं बिक रही है या जितनी कीमत उसकी मिलनी चाहिए उतनी कीमत पर नहीं बिक रही है, अथवा मकान अधूरा बनकर ही छूट गया है,
तो यह संभव है कि गृह बंधन तंत्र का प्रयोग किसी के द्वारा करा दिया गया हो या ऐसा टोना टोटका किया गया हो। आपके मकान आदि बनवाने से किसी को कोई परेशानी हो रही हो और उसी समय से आप पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ रहा हो, तो इसका कारण भी तांत्रिक क्रिया या टोना टोटका होता है। यदि आपने व्यापार की दृष्टि से जमीन खरीदी हो या बिक्री हेतु मकान बनवाए हों और उन्हें बेचने में अड़चनें आ रही हों, तो यह भी तांत्रिक क्रिया द्वारा या टोने टोटकों द्वारा संभव है। यदि एकाएक आपके भाग्योदय में बाधा उत्पन्न हो गई हो, जिसका कारण आपकी समझ में ना आ रहा हो, जबकि बाधाएं हर एक क्षण बढ़ती ही जा रही हों, तो संभव है किसी के द्वारा भाग्य बाधा का प्रयोग किया गया हो। एकाएक परिवार में कोई रोगी हो गया हो और रोग भी ऐसा जिसके बारे में कुछ पता ही न चल पा रहा हो, कोई उपचार न हो पा रहा हो तथा औषधियां भी कोई प्रभाव न डाल रही हो, तो इसे निश्चय ही तांत्रिक प्रयोग या टोना टोटका समझना चाहिए। यदि राज्य की ओर से बराबर अड़चनें आती हों, यानी सरकार की ओर से प्रयत्न करने पर भी उच्च अधिकारियों से मतभेद बना रहता हो, तो भी यह तांत्रिक प्रयोग है, टोना टोटके का प्रयोग है, इस पर विचार करना चाहिए। स्थानांतरण तथा प्रमोशन के संबंध में भी यह विचार इसी प्रकार से किया जाता है। संतान का न होना, संतान का पैदा होते ही मर जाना या गर्भ गिरना, यह सब भी तांत्रिक क्रिया के कारण हो सकता है। किसी के अचानक बैठे बैठे नाक या मुंह से रक्त जाने लगे अथवा उस पर दौरा सा पड़ जाए और उसी दशा में उसकी मृत्यु हो जाए, या शरीर सुन्न हो जाए या शरीर का कुछ भाग सुन्न हो जाए, लकवाग्रस्त हो जाए, तो यह किसी तांत्रिक द्वारा किया गया मारण प्रयोग हो सकता है। तांत्रिक प्रयोग से अनेक कष्ट दिए जा सकते हैं। विद्या प्राप्ति में बंधन पैदा कर देना, आदमी अपनी पढ़ाई लिखाई नहीं पूरी कर पाता, विवाह बांध देना, ऐसे आदमी का विवाह बांध दिया जाए तो फिर वो विवाह बंधन का प्रयोग होता है, तो उसमें फिर उसकी शादी नहीं होती, रुकी रहती है तब तक। और उन कष्टों का निवारण भी तांत्रिक प्रयोग के द्वारा ही किया जा सकता है। ईर्ष्या द्वेष के कारण अथवा शत्रुतावशी तांत्रिक प्रयोग अधिक किए जाते हैं, अतः शत्रु के हाथ से या विरोधी के हाथ से कुछ भी खाना या पीना नहीं चाहिए। यदि कोई पड़ोसी या रिश्तेदार आपसे जलता हो, आपके प्रति बाहर से मीठा बोलता हो लेकिन अंदर उसके अंदर में ईर्ष्या भरी हो, तो उसके यहां का भी कुछ न खाना पीना चाहिए। संभव है इन वस्तुओं में ही हानि पहुंचाने वाली किसी तांत्रिक सामग्री का समावेश हो। बेवजह ही कभी भी किसी भी तांत्रिक, मौलवी, मुल्ला या योगी और अघोरी के यहां नहीं जाना चाहिए और ना ही उससे कभी दोस्ती या दुश्मनी करनी चाहिए। किसी बात का समाधान करना हो तो किसी योग्य, उच्च कोटि के सिद्ध, उच्च कोटि की साधना संपन्न अथवा अपने बहुत परम हितैषी तांत्रिक के पास जाना चाहिए, जो तांत्रिक रकम ऐंठने वाले हों, वक्त और धन को खींचने वाले हों, वक्त और धन को जो बर्बाद करते हों, उनसे सदा बचकर रहना चाहिए। हमेशा कुछ चीजें हैं उनके प्रति भी सावधानी रखनी चाहिए, जैसे कि आपके नाखून, बाल, ये हर जगह न छोड़ें, हर जगह काट के नहीं फेंकना चाहिए, या उतरे हुए वस्त्र, ये कभी भी जो है दूसरे के हाथ न लगने दें, दान भी न करें इनका। इसी प्रकार से आपके पांव की मिट्टी ली जाती है कुछ प्रयोगों में, तो ये सावधानी रखें, पक्के ठौर पर चलें, कच्चे ठौर पे से
मिट्टी आसानी से हासिल हो जाती है। इसी प्रकार से जो पुतला बनाया जाता है जिसको काला जादू बोलते हैं, काला जादू का अधिकतर प्रयोग पुतला बना करके किए जाते हैं। तो कहीं भी आपके घर के आसपास पुतला पुतला कोई दिखे तो आप विशेषज्ञ से सलाह लें, सिद्ध व्यक्ति से, फिर उसका निराकरण करें, क्योंकि काला जादू के प्रयोग में पुतले का प्रयोग बहुत किया जाता है। उसके बगैर या ये समझ लीजिए कि 95% काला जादू का जो प्रयोग होता है वो पुतला बना कर किया जाता है। उसके लिए आपके किसी भी जिसमें आपके शरीर का उतरा हुआ आवरण या आपके शरीर की गंध या आपके शरीर का कोई अंग, नाखून हो, बाल हो, कुछ भी हो, कोई भी सी भी चीज़ जो जो आपके शरीर से स्पर्श हो चुकी हो, उसकी आवश्यकता होती है, उसे कभी किसी के हाथ न लगने दें और यूं ही गाहे बगाहे इन चीज़ों को न फेंका करें। ओम नमः शिवाय, 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 जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।